Hi, welcome to Bhavin online classes. In this session of principle of inheritance and variation, we will discuss about Mendelian characters. Actually, Mendel ने 30 varieties के साथ अपने experiments start किए थे. 30 variety ली और उनको cell breeding करवाई उनकी. Later उसने ये number reduce करके 22 varieties कर दी और बाद में उसने फाइनली 7 पेयर ऑफ प्योर वेराइटीज ली अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए. एक्चुअली मेंडल ने क्या किया, 7 करेक्टर स्टडी किए उसने. 7 करेक्टर लिए पी प्लांट के और हर एक करेक्टर के लिए उसने क्या किया कि 2 प्योर ब्रीडिंग प्योर ब्रीडिंग वेराइटी ली विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, अब प्योर वेराइटी क्या होती है? ए प्योर वेराइटी गिव राइज टू, एक प्योर वेराइटी गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स ऑन सेल्फिंग. जैसे ये टोल है, इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करा देंगे, इसका ऑन सेल्फ पोलिनेशन करा देंगे तो ये क्या करेगा, टोल ही प्रोड्यूस करेगा. और इस तरीके से हम इसकी आगे सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे और सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम देखेंगे जो ये ऑफस्प्रिंग है ये पेरेंटल करेक्टर शो करेगी, हमें प्योर वेराइटी मिलेगी. इस तरीके से मेंडल ने क्या किया कि एक करेक्टर लिया और एक करेक्टर की 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. तो जैसे कि हाइट ली उसने, हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, टोल एंड ड्वार्फ, इसलिए उसने फ्लावर पोजीशन ली, उसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या था, जैसे ये बेल है इसके जो इधर फ्लावर आ रहे हैं वो तो हो गया क्या, एक्सियल फ्लावर, और ये बेल है और इसके यहां पे फ्लावर आ रहे हैं वो क्या हो गया, टर्मिनल फ्लावर. इस तरीके से 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है. जैसे इसकी हाइट हो सकती है अराउंड 6 फीट और इसकी 2 इंचेस, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है बिल्कुल ही, किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ये. इस करेक्टर के ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, इस करेक्टर के ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है. इस तरीके से मेंडल ने प्योर वेराइटीज ली अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए. उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए. मेंडल ने क्या किया कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया. और जो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, जो ये पाइजम साइवम है, ये 2n इज इक्वल टू क्या है, 14. तो n इज इक्वल टू 7, तो हैप्लोइड सेट क्या है, 7. तो ये 7 क्रोमोसोम है और ये सारे के सारे जो 7 करेक्टर हैं, ये 7 करेक्टर, ये 7 क्रोमोसोम पे अरेंज नहीं थे. एक्चुअली मेंडल को पता ही नहीं था क्रोमोसोम क्या होता है. मेंडल ने ना जीन का पता था ना क्रोमोसोम का पता था. मेंडल ने यूनिट फैक्टर नाम दिया था जीन को. उसने कहा था कि समथिंग इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर ट्रेवल हो रहे हैं उसमें किसका हाथ है, फैक्टर का. तो उसने यूनिट फैक्टर नाम दिया था जो करेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा था उसको. और ये यूनिट फैक्टर बाद में क्या है, जीन्स का नाम दिया जॉनसन ने इनको. तो जो ये करेक्टर होता है, ये करेक्टर है
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनका जो ट्रांसमिशन होता है उसको कौन गवर्न करता है? जीन। और जीन किस पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। जो ये सेवन करेक्टर थे ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, बट ये सेवन के सेवन करेक्टर सेवन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। इन पाइजम्स टाइम मटर के पौधे में जो ये सात करेक्टर जो मेंडल स्टडी कर रहा था, ये सेवन करेक्टर इसे सेवन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। ये वन फोर फाइव और सेवन इन नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। वन पे फोर पे फाइव पे और सेवन नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। इस पे था सीड शेप, और इस पे सबसे ज्यादा तीन करेक्टर प्रेजेंट थे, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप और स्टेम हाइट। जैसे हमें पता है कि भाई ये करेक्टर है, करेक्टर को रिस्पॉन्सिबल, करेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन, जिसको मेंडल ने यूनिट फैक्टर बोला था। और जीन किससे एसोसिएट होते हैं? क्रोमोसोम से। इसी तरीके से जो ये पाइजम स्टाइबम है, ये जो मटर का पौधा है, इसमें क्या था कि जो सेवन करेक्टर थे वो सेवन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये सात के सात करेक्टर सात क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, क्योंकि इसके केस में 2n = 14 होता है और n = 7, तो सात क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। ये ओनली 1, 4, 5 और 7 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। सीड शेप 7 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, पॉड शेप 5 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, और सबसे ज्यादा करेक्टर प्रेजेंट थे 4 नंबर क्रोमोसोम पे। क्या थे? फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, स्टेम हाइट। पॉड शेप एंड स्टेम हाइट। और इस पे क्या प्रेजेंट थे? सीड कलर और फ्लावर कलर। मेंडल इतना लकी था कि उसने कभी भी वो करेक्टर स्टडी नहीं किए जो फोर नंबर पे थे। उसने कभी भी फ्लावर फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट को नहीं लिया, और पॉड शेप और स्टेम हाइट को नहीं लिया, और फ्लावर कलर और पॉड शेप को एक साथ कभी भी स्टडी नहीं किया। मेंडल इतना लकी था कि उसके जो लिंकेज वाले करेक्टर शो हो सकते थे उसका उन्होंने पेयर ही नहीं बनाया। जो फोर नंबर पे थे जिनमें लिंकेज हो सकती थी उसको उसने कभी स्टडी नहीं किया साथ में। तो ये मेंडल का लक था कि उसने कभी भी वो करेक्टर साथ में स्टडी नहीं किए ट्राई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फोर नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। 1, 4, 5 और 7 नंबर क्रोमोसोम पे मेंडल के जो सेवन करेक्टर थे वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ये बताया था एस ब्लिक्स साइंटिस्ट ने। तो मेंडल ने सेवन करेक्टर जो स्टडी किए थे उसमें फर्स्ट करेक्टर हम लेते हैं स्टेम हाइट, जिसमें क्या होता है कि स्टेम हाइट में एक टोल प्लांट होता है टोल, जिसके स्टेम, और एक होता है डॉर्फ। इसमें क्लियर का डिस्टिंक्शन होता है, ये प्लांट है ये टोल प्लांट है, ये प्लांट है ये सोड प्लांट है। कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए और ये स्मॉल टी रिसेसिव के लिए। ट्रेट वन है टोल, और ट्रेट जो दूसरा प्योर ट्रेट है वो क्या है? डॉर्फ। ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। कितने नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? ये फोर नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सेकंड फ्लावर कलर, फोर फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ज
जैसे ये मटर का पौधा है, ये जो एक्सियल पे है, जैसे ये लीफ है और जो यहाँ पे जो फ्लोवर है, ये फ्लोवर पोजीशन नहीं है, एक्सियल पोजीशन है। और इसका कलर अगर वॉयलेट हो, और एक ये पौधा है मटर का और यहां पे फ्लोवर है, ये होगी टर्मिनल पोजीशन। और जो फ्लोवर है इसका कलर हो व्हाइट। तो इस तरीके से क्या है कि जो फ्लोवर कलर है वो वॉयलेट है डोमिनेंट और व्हाइट है रिसेसिव, कैपिटल वी और स्मॉल वी। और जो फ्लोवर पोजीशन है ये है एक्सियल पोजीशन, जो टर्मिनल को छोड़ के जहां कहीं भी फ्लोवर हो वो एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन है, और जो बिल्कुल अपेक्स पे हो वो टर्मिनल पोजीशन है। ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए। फ्लोवर पोजीशन प्रेजेंट है 4 नंबर क्रोमोसोम पे और फ्लोवर कलर प्रेजेंट है 1 नंबर क्रोमोसोम पे। पोड शेप या फ्रूट शेप इसको बोल सकते हैं हम, पोड कलर और फ्रूट कलर। ये है इन्फ्लेटेड, जिसको फूली हुई फली कहते हैं, फूली हुई फली जिसको कहते हैं। और ये कॉन्स्ट्रक्टेड, एक्चुअली फ्रूट शेप बोल सकते हैं इसको, बट ये लेग्यूम्स फैमिली है, इसमें फ्रूट्स को या तो हम लेग्यूमिनस फैमिली है तो इसको या तो हम लेग्यूम्स बोलेंगे या फिर पोड बोलेंगे फली, इसलिए फ्रूट शेप को ना बोल के हम यहां बोलते हैं पोड शेप, जो क्या है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, जिसमें दाने बिल्कुल नहीं होते हैं, कम होते हैं। और पोड कलर और फ्रूट कलर, जो ये पोड कलर होता है ये यहां पे होता है, डोमिनेंट करैक्टर क्या होता है ग्रीन और येलो। हरी मटर की फली और पीली मटर की फली, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ये जो पोड शेप है, ये वाला पोड शेप है, ये कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 4 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जो ये पोड कलर है ये 5 नंबर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सीड कलर, सीड कलर और सीड शेप। जो ये सीड कलर है, जो ये सीड का कलर है, ये डोमिनेंट क्या होगा येलो और ये रिसेसिव होगा ग्रीन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये सीड कलर है ये किस पे प्रेजेंट होता है, 1 नंबर क्रोमोसोम पे। और सीड शेप है ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, 7 नंबर क्रोमोसोम पे। सीड शेप क्या होगी, राउंड और रिंकल्ड। तो इस तरीके से जो ये टेबल दिखाई दे रही है, जो ये टेबल दिखाई दे रही है इस पे, इसमें ये 7 करैक्टर हैं, स्टेम हाइट है, फ्लोवर कलर है, फ्लोवर पोजीशन है, पोड शेप है, पोड कलर है, सीड शेप है, सीड कलर है, ये सारे करैक्टर हैं। और इनके क्रोस्पोंडिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, और उसके क्रोस्पोंडिंग क्रोमोसोम है कि कितने नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहां हम देख सकते हैं कि 7 के 7 करैक्टर 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, ये 1, 4, 5 और 7 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जो ये सीड की शेप है, जो ये सीड शेप है, इसमें क्या होता है कि जो रिंकल शेप होती है ये
स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी होती है इसमें। इस एंजाइम का क्या रोल है? ये सुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है, सुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है और स्टार्च वाटर सोल्यूबल होता है। और जब इसकी डेफिशिएंट होगी तो क्या होगा कि इसका इससे कन्वर्जन कम हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, तो क्या होगा सुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और सुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो स्टार्च की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और सुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सुगर हाईली ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है ये सुगर, और एक्टिव होता है तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल लोअर होता है, और वाटर पोटेंशियल लोअर होता है तो ये क्या होगा बाहर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये फ्लैसिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा ये, और ये बिल्कुल फूला ताजा मटर का दाना बन जाएगा। और अब क्या होता है जब इसके जो ये फली है ये पकती है, पोड पकता है ये यहां पे, तो क्या होता है बेसिकली जब ये पोड पकता है यहां पे फ्रूट की राइपनिंग होती है, तब तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस होने पे ये रिंकल शेप में आ जाता है। इस तरीके से ये शेप बनती है सीड की। इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो सुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है।